बाबूसान की जो सरप्राइज अंशु ले तू वीडियो बना 10 रुपए मिलेंगे तेरे को गाइस मैं वहां जाके बांध के आ गई और फिर इधर भाभी साहब के निकल रही थी मैंने सोचा मैं भाभी साहब के भी जाके आ जाती हूँ तो राखी बांधूंगी इनके भी अभी और ये चकरा करके नहीं बैठे चाय तो मैं इनको पिलाती हूँ पिलाती क्या कितना सालों की बात है शादी की है शादी की कितना सालों की शादी 14 सालों की अच्छी लग रही है ना कलर फेड हो गया था इसका तो ये नहीं कर ली इसको देवर की शादी में पहनने के लिए और आजी तू धोगी बन के बता मारी लागू दे रही दे ली यहाँ पे बोल बोल के तो धो बुलाते बड़ा वाला फोन रील बनाती है क्या अभी तो बेटा पढ़ाई में ध्यान दे ले नहीं तो रील बनाने में रह जाएगी और ये जमकू एक इसको भी बहुत चाव है अभी मेरे बहुत बनाओ अब बंद कर दी इनकी मैडम शिकायत करवा तो गाइस मैं इनके भाई साहब के आ गई और भाई साहब और भाभी साहब पकौड़ी बना रहे तो वो बोल रहे पकौड़ी खा के जाना और मैं क्या लेट हो रही हूँ मैंने उनके ही बहुत टाइम लगा दिया और अब मम्मी डांट रहे कि तू जल्दी से आ जा क्योंकि मम्मी को भी राखी बांधने के लिए जाना है और अब भाभी साहब बोल रहे नहीं पकौड़ी खा के जाना तो मैं उधर व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन अदा मुझे क्या थोड़ी भाई साहब की थोड़ी शर्म सी आती है तब देखते देखते बोला नहीं जाएगा या तो फिर वॉइस ओवर करूँगी और बना लेती हूँ उनका तो ये भाई साहब है ना जो आर्मी में है तो आपको पता है फौजी लोगों को थोड़ा एक्टिव थोड़े कुछ ज़्यादा ही रहते हैं मतलब किचन में काम करना और इनको वो लोग और अच्छे हैं भाई साहब बहुत अच्छे हैं चलो मैं दिखाती हूँ आपको और एक जीजा है मेरे जो एक बाबू मेरे जो बाबू साहब है ना उनकी बेटी है तो वो भी आए हुए अभी तो मैं भी आई थी मेरे से पहले ही आ गए थे तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको वो थोड़ा ऐसे मना करे मेरे को ब्लॉग में मतलब ऐसे बोला रहता ही है हर मतलब हर कोई ऐसे कंफर्टेबल नहीं रहता मैं तो ना खुद भी ब्लॉग मैं तो मेरा ब्लॉग है तो मैं तो आऊँगी और कोई दूसरा भी बनाएगा तो मुझे ऐसे नहीं रहता कि मैं नहीं आऊँ मेरे को मतलब ऐसा नहीं है फौजी आदमी थोड़ा रेव भी बढ़िया है हाँ देख जी भाई साहब बेटी ना वंशु खिला ले बेटा इसको खिला ले हाँ ना जी जान टेस्ट करा दो अच्छा सोम
भाभी से मन जा पाते हो यार वास्तव में मम्मी डांट सी मना डांटो तो मैं कहीं करूं भाई मैं तो बुखार ही भेजू कोई भूखा तो नहीं भेजू भूखा को नहीं मैं खानो खा रही हूं माने कहीं पता नहीं खानो खा रहे हैं अपन खा रहे हैं सच में खा के आया खानो भाई साहब रिटायर कर दो सो आप रिटायर कर दो आज दिन खून आवे खून मिले अंगुली देर देख लो ये ऐसी नाना तो होती है जो मेरे को जलाने के लिए सुनो नहीं अंगुली देर देख लो तो अब हम खाएंगे गरम गरम पकौड़ी बोला खाना चेप रही है बोला और पकौड़ी का सीन होता था मैं अच्छा ब्लॉग बन जा तुम आगो तभी बन गया था मजा मजा आज ना गया जब देखिए अम्मा जी जाता तो और ही अच्छो इंजॉयमेंट हो जातो ऐसी जातो तो गाइस भाभी सब पकौड़ी बनाते बनाते कर रहे बातें हम भी खड़े इधर साइड में ही मैं और जीजा तो बातें कर रहे थे हम और भाभी सब बोल रहे थे कि मेरा सूट तो अच्छा लग रहा है तो सूट तो इनका अच्छा ही लग रहा है ये ड्रेस बाद में चल तो यहाँ पे बातें चल रही थी हमारी और बातें क्या चल रही थी शादी की चल रही थी कि कहाँ शादी करेंगे कहाँ करेंगे यहाँ करेंगे तो भाभी साहब बोल रहे थे कि गांव ही करे तो ठीक है मैं भी यही बोल रही थी मैं कि शादी तो गांव में ही अच्छी लगती है तो ये आपको हाय कर रहे हैं भाभी साहब इंतजार डोरेमोन डोरेमोन इतनी छोटी बोल मार्बल तो इतनी बड़ी बड़ी होती है मम्मा ना फोटो खींच रखे जी हाँ द
डैड उधर दिन बनाएंगे राखी माता की। दो माह से एक ही कर बो करा मैं तो मैं चार ही कर। अब हमारी हर्षू की राखी बन रही है। जी जी वो सब बहुत बदमाशी करा आप ही करता कि। तो गाई जी जीजू सा हुक्म और जीजा हुक्म बेटे हैं और इधर ये दोनों भतीजियाँ बेटी है। तो जीजू सा और जीजा के भी मैंने राखी बांध दी थी, ये आए हुए थे तो मौका मिल गया बांधने का, तो इनके भी बांध दी और अब बांध रही हूँ मैं मेरी भतीजियों के। और यहाँ हम सब फैमिली फ़ोटो ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बीच में मम्मी सा हम भी है बीच में, उठ नहीं चल जावा आप। चला
आटा सट कर लो। चलो भाई खुश रहे। जीजा दोग दो दोग दो दो के बिठाएंगे ना वो भी आने जीजा ना ना करता भी बोले मैंने ले ली गए हाँ जीसा जरूर तो गाइस यहाँ जीजा जा रहे थे तो हम दोनों गले मिल रहे थे और हंसी आ रही थी क्योंकि जीजा व्लॉग में ऐसे कर रहे थे कि मुझे व्लॉग में मत लेना और भाभी सब व्लॉग बना रहे थे तो अब जीजा जा रहे हैं इनको विदा करने के लिए बाहर आए हैं। गलती तुम्हारी है लेकिन जब बदो यार मम्मी ज्यादा सी ना हाँ तो मैं बैठ जाऊँ तो गलती कौन के टाइम से आता तो राखी वाखी हमने बांध ली राखी बांध दी और अब हम जा रहे हैं अभी से मैं पकौड़ी बन खाई तो बाबीसा ने भी मेरी मैचिंग की ड्रेस पहनी थी रानी कलर की और राखी बांध ली। ये बाबीसा एकदम फ्रैंक है तो इनके साथ थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये इनको शौक है खुद को भी ऐसे व्लॉग में आने का। तो चलो गाइस अब पकौड़ी और चाय पी के खा के फिर जाते हैं। मम्मी को फोन आ रहे हो भाभी सा तू तो आ जाएगी ना व्लॉग में। हाँ दिक्कत नहीं है कोई है। ये मेरी क्यूट सी भतीजी है प्यारी सी मैं यहाँ दुश्मन यार आप दुश्मन का ना हो भाई ये क्यूट सी भतीजी है। अब आप वो आपको बोलो ये क्यूट से भाभी सा है मेरे गाइस मैं ऐसे बड़ाई कर रही हूँ इनकी झूठी तारीफ कर रही हूँ नहीं झूठी नहीं कर रही अच्छे हैं जैसे भी अच्छे हैं है ना तू। हाँ मैं कैसी हूँ मैं कहीं अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी हूँ बहुत अच्छी हूँ मालूम से बोले आप नहीं बाय बाय मैं भी जा रही हूँ मैं भी इनके साथ जा रही हूँ भाई साहब ने पूछ लिया पहले ठीक है भाई साहब तो गाइस बस सब हम घर पे जा रहे हैं और इधर भाई साहब और वंशु के पापा बातें कर रहे हैं तो खूब इंजॉय कर लिया और अब चलते हैं। तो ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ मिलती हूँ आपसे थर्ड पार्ट के साथ राखी का व्लॉग और इसमें कट करने का मन ही नहीं हुआ क्योंकि अच्छा लग रहा था तो मैं कि चलो रहने देते हैं। तो खमा गणेश सा लोगों को